हिंद दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई है जिसकी लास्ट डेट अभी आने वाली है, जिसकी लास्ट डेट है 5/9/2019। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सी पोस्ट है, कैसे कैसे हम इसको भर सकते हैं। ये देखिए, चोफर, चोफर किसको बोलते हैं, बोलते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर होते हैं ये जो मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट जजेस की गाड़ियाँ चलाते हैं। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैट्रिक यानी कि 10th पास और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट व्हीकल का, आज की डेट में सबके पास होता है, और 2 साल का अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि जब्त नहीं होना चाहिए उसका लाइसेंस वगैरह, कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, टोटल 35 वैकेंसी हैं। जनरल की 1 है, AWS की 9 वैकेंसीज हैं और OBC 13 है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगी, OBC सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, दिल्ली का? तो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली हाई कोर्ट की ये वैकेंसीज हैं, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का OBC चलेगा। आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों के इसमें डाउट्स थे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ उनके। इसमें दिल्ली OBC का चलेगा। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो 14/8 को स्टार्ट हो गए थे, 5/9 को लास्ट डेट है, और जो जो आप पेमेंट करेंगे उसकी भी 5 तारीख लास्ट डेट है। अब जाते हैं इसके सैलरी पे, सैलरी कितनी होती है इनकी। इनके 5th पे कमीशन के साथ जो मैट्रिक्स लेवल है उसके 5th लेवल पे है, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से ये बनता है 2800 का ग्रेड पे। 2800 का ग्रेड पे काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है दोस्तों। जो दिल्ली में LDC का ग्रेड पे होता है वो होता है 1900, जो क्लास 4 का होता है उसका होता है 1800, UDC का ग्रेड पे होता है 2400, और ये आपको UDC से ऊपर लेके जा रहा है 2800। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ड्राइवर्स की, और ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसका पढ़ सकते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन स्कीम मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले होगा प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम में होगा, आपको जनरल कैंडिडेट है आप तो आपको 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें देख लीजिए क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि ईच क्वेश्चंस आपका कैरी करेगा 2 मार्क्स, ये देखिए यहाँ पे है। और जो आएगा इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे ड्राइविंग से रिलेटेड होंगे, रोड सिग्नल्स, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन, GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज, ये सब इसमें आएंगे। और जो टाइम होगा आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चंस करने हैं, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो आ जाएंगे स्किल टेस्ट की तरफ। स्किल टेस्ट है ये सेकेंड स्टेज पे आके आपका जो एक ड्राइविंग टेस्ट होगा 50 नंबर का, ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, ये रियल ट्रैफिक कंडीशन में चलवा के देखेंगे, यानी कि दोनों 100 मार्क्स के होंगे, 50-50 मार्क्स के। इन ईच स्किल टेस्ट मिनिमम पास मार्क्स कैटेगरी इंक्लूड, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, देखिए इसमें 50% लाने जरूरी हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 लाने जरूरी हैं। इट इज़ हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट विल क्वालिफाई बोथ द अफोरसेड ड्राइविंग स्किल टेस्ट सिमुलेटर विल एज वेल एज रियल रोड, दोनों में पास होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ओल्ड ट्रैफिक, अब जो ये दोनों स्किल स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर करेंगे उनको नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाएगा, वो होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में अभी देख लीजिए 20 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, इसमें अब यहाँ से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब जो इसकी एग्जामिनेशन फीस है वो है 400 रुपये, देख सकते हैं आप, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके 200 रुपये, यानी कि आधी फीस है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस, ये दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है देखिए। और अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।